नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। इनसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेजेपी नेता दिग्विजय सिंह चौटाला ने कहा कि पार्टी को मिला है चप्पल का निशान, उनके सम्मान का निशान है और साथ ही यह चौधरी देवीलाल की खड़ाऊ है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी का चुनाव निशान चप्पल एक ऐसा निशान है जो हर वर्ग के लोगों को आसानी से समझ आता है। वहीं उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता की सभी कठिनाइयों को चप्पल के निशान के साथ दूर किया जाएगा। दिग्विजय सिंह चौटाला सिरसा जिले के 3 दिवसीय दौरे के पहले दिन अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। दिग्विजय सिंह चौटाला ने कहा कि सिरसा हलके के सभी जनसंपर्क अभियान में उन्हें भरपूर सहयोग मिल रहा है और एक बूथ पर 10 यूथ के कार्यक्रम को युवाओं के माध्यम से चलाया जा रहा है, जिसे भरपूर समर्थन भी मिल रहा है और पार्टी को निरंतर मजबूती मिल रही है। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष अभय सिंह चौटाला द्वारा जेजेपी चुनाव निशान पर दिए गए बयान पर पलटवार किया और कहा कि नेता प्रतिपक्ष अभय सिंह चौटाला कोई ISI का मार्का नहीं है जिन्हें सर्टिफिकेट जारी करे। उन्होंने कहा कि चौधरी देवीलाल की मलकियत किसे मिलनी चाहिए यह तो जनता तय करेगी, बल्कि अभय सिंह चौटाला नहीं। साथ ही उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष अभय सिंह चौटाला कई बार हास्य पर बयान दे चुके हैं। भाजपा से इनेलो द्वारा गठबंधन की चर्चा पर उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि 5 साल तक बीजेपी को कोसने के बाद बीजेपी से गठबंधन की बात कर रहे हैं। वहीं उन्होंने कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अशोक तंवर के जूते और चप्पल वाली पार्टी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस तो सिर्फ फोटोवल पार्टी है और अशोक तंवर स्वयं भूख भोगे हैं। वहीं उन्होंने भाजपा से गठबंधन की संभावना से भी इनकार किया, लेकिन साथ ही कहा कि जेजेपी प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन की बात करती है। जो भी पार्टी की विचारधारा व किसी भी पार्टी के साथ मेल खाएगी उससे गठबंधन किया जा सकता है, जिसके लिए प्रदेश में उनकी 3 सदस्यीय कमेटी फैसला लेगी। आप देख रहे हैं पलपल सिरसा से अमर सिंह जानी की विशेष रिपोर्ट। कमेटीज गठित हो जाए और मेंबरशिप अभियान पूरा हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टी के साथ जुड़ें और इस पूरी मुहिम को लोकसभा के चुनाव के अंदर पार्टी की जीत तक लेकर के जाया जाए, उसके लिए 3 दिवसीय प्रोग्राम रखे हैं। मैं मानता हूं कि जिला सिरसा के अंदर एक बड़ा बदलाव राजनीतिक तौर पर पिछले 3-4 महीने के इस समय में आया है। जननायक जनता पार्टी के प्रति स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के जो अनुयायी थे वो आज पार्टी के प्रति अपना विश्वास जता रहे हैं और हजारों लोग लाखों लोग इस क्षेत्र के पार्टी के साथ जुड़ने को तैयार हैं। एक बूथ 10 यूथ का प्रोग्राम काम किस तरह से? एक बूथ 10 यूथ का प्रोग्राम जो है वो युवा इकाई देख रही है और युवा इकाई के जो तमाम कार्यकर्ता हैं गांव-गांव जाकर के बूथ लेवल पर जाकर के उसे संपन्न कर रहे हैं। ये बड़ा सक्सेसफुल कार्यक्रम है, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी की ये देन है और आज नहीं जबकि कोई इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था उस जमाने में अजय सिंह जी ने ये आइडिया शेयर किया था पार्टी के साथ और पुरानी पार्टी में भी फॉलो हुआ था। चप्पल का निशान जो है ये कॉमन मैंस निशान है, आम आदमी से जुड़ा निशान है, चाहे गरीब से गरीब हो और चाहे अमीर से अमीर हो, उसके जीवन का ये जो निशान है ये एक अहम पहलू है। ये सिंप्लिसिटी का निशान है, तमाम मुश्किल जो आज हरियाणा प्रदेश और कमेरा वर्ग झेल रहा है उसमें ये चप्पल जो है, ये चप्पल पहनकर जब वो निकलेगा तो निश्चित तौर पर वो सारी कठिनाइयाँ, वो परेशानियाँ, वो कांटे, वो पत्थर पीछे रह जाएंगे। ये चौधरी देवीलाल जी के खड़ाऊ हैं, स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी की पहचान है, ये उनका आशीर्वाद है। कहने को लोग कुछ भी कहें मगर इसकी चर्चा बहुत हो रही है राजनीति में। स्वर्गीय चौधरी देवीलाल एक बात कहा करते थे कि चर्चा होनी बहुत ज़रूरी है, जिस भी चीज़ की चर्चा ज़्यादा होती है वो लोगों की जवाब पर चढ़ जाता है। देवीलाल खड़ाऊ पहनते नहीं थे, जूते पहनते थे, खामखा सर्टिफिकेट बांटने की आदत एक आदमी को हरियाणा में हो गई है और जब वो खुद का सर्टिफिकेट लोगों का लेने जाते हैं तो 3454 वोट मिलते हैं, जमानत भी 6 गुना जब्त होती है। वो कोई ISI का मार्का नहीं है अभय सिंह चौटाला, जिनका सर्टिफिकेट मुझे लेने की, आपको लेने की आवश्यकता है। चौधरी देवीलाल जी की राजनीति की मलकियत जनता के हाथ में, अभय सिंह के हाथ में नहीं है। उनको सोचना चाहिए, उनको गौर करना चाहिए। हम उनका सम्मान करते हैं मगर कई बार वो ऐसी बातें कह देते हैं जिसके कारण लोग हास्यास्पद सी स्थिति में उनको मानने लगते हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी से हमारा गठबंधन होगा,
दूसरे एंड पे ये कहते हैं, पांच साल तक ये कहते रहे कि बीजेपी से बुरी कोई पार्टी नहीं किसान कमेरे के लिए, सेल्फ कॉन्ट्रोडिक्टरी। अभी ये कह दिया, कल को कुछ कह दिया, तभी लोग उन्हें नॉन सीरियस पॉलिटिशियन मानते हैं। ऐसे पॉलिटिशियंस की भविष्य की राजनीति में, जब पढ़े लिखे लोगों का समय है और लोग ऐसे लोगों का नेतृत्व तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं जिनका अच्छा एक्सपोजर हो, जो विजन की बात करें, और वो चप्पल पे अटके हैं। उनको जब सुबह चप्पल पहनते होंगे तो फिर दुष्यंत का फोबिया सताता है, पहले भी सताता था और आगे भी सताता रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। ये कहते हैं जूता चप्पल पार्टी है, क्योंकि उनकी सोच वहां तक सीमित है। जब भूपेंद्र हुड्डा के गुंडे उन पर प्रहार करते हैं और सिर्फ फुटबॉल कांग्रेस में होता है, उनके लिए चप्पल कांग्रेसियों के लिए सिर्फ वहां तक सीमित है कि वो चप्पल को निकालो और दूसरे के सिर पर मारो। मगर हमारे लिए जो चप्पल है उसके दूसरे मायने हैं। तो ये कांग्रेस का खूनी पंजा, जो शायद इस देश को 70 साल तक प्रताड़ित परेशान मायूसियत देता रहा, अब उसका ये समाधान चप्पल है। मगर उसको चप्पल को जो इंटरप्रिटेशन